क्या बात है, गुडबाय इंडिया। दिस इज जीरो लाइन, इंडिया एंड पाकिस्तान, एंटरिंग पाकिस्तान। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम जा रहे हैं पाकिस्तान। आई एम सो एक्साइटेड, कैन बिलीव फॉर माई फर्स्ट टाइम इन लाइफ मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं हालांकि बहुत सारे कॉमेंट्स, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं पाकिस्तान से यूएस में, कभी उन्हें उनके देश में मिलने का मौका नहीं मिला, तो आज शायद वो पूरा हो जाए। एंड इसके अलावा, अगर आप नोटिस कर रहे हो, मैं काफ़ी लंबे ट्रिप के लिए इंडिया आया हूँ, लाइक 2 to 3 weeks या उससे भी ज़्यादा। रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान के लिए, करतारपुर साहिब के लिए, करतारपुर कॉरिडोर के लिए अप्लाई करने के लिए 2 weeks चाहिए होता है। जब आप अप्लाई करते हो, उसके 1 week बाद आपको वो पुलिस वेरिफिकेशन भी भेज देते हैं, उससे पहले भेज देते हैं। सो इस कारण मुझे 2 weeks इसी कारण निकाल के रखने पड़े, ताकि मैं ऑनेस्टली अपनी पुलिस वेरिफिकेशन करा पाऊँ, मेरा पासपोर्ट मेरे हाथ में हो। एंड आज मेरे हाथ में है एंड मैं जा सकता हूँ। आई एम सो एक्साइटेड। एंड नानी अभी रेडी नहीं है। नानी ने भी जाना था बट नानी का रिजेक्ट हो गया, पता नहीं क्यों, मैंने शायद गलती कर दी एप्लीकेशन में या कुछ हुआ, नानी की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। सो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जा सकते, बट आई एम गोइंग विद नानीज कज़न एंड माई कज़न। सो फिर भी चलो, थोड़ी बहुत मेरे पास कंपनी है, बट आई फील स्टिल सैड कि नानी का पता नहीं क्यों, पुलिस वेरिफिकेशन भी हो गई थी, उसके बाद पता नहीं क्या गड़बड़ हुई कि उनका रिजेक्ट हो गया, साइन मैच नहीं हुए। आई जस्ट नीड टू अप्लाई फॉर हर अगैन, पर आज मैं ये अपॉर्चुनिटी लूज नहीं करूँगा। नाउ इट्स अराउंड 7:15 AM इन द मॉर्निंग, तो अभी बहुत एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। सो ओवरऑल इट्स गोना टेक अराउंड 1 hour। अराउंड 60 kilometers है हमारे घर से रास्ता बाबा डेरा नानक का। सो अराउंड डेरा बाबा नानक तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा, एंड वहाँ से होगी इमिग्रेशन एंड बॉर्डर क्रॉसिंग। चीज नोटिस करो, उसे लिखा हुआ आप 8 बजे पहुंचेंगे, पाकिस्तान टाइम जोन अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, मतलब आप 8:30 पहुंचना है, पर वो कह रहे हैं 8 बजे पहुंचेंगे पाकिस्तान के अकॉर्डिंग। क्रॉसिंग माय स्कूल बाय, सो मैनी स्पेंड 6 years इन माई स्कूल। स्कूल क्रॉस करके इसी रोड से जा रहे हैं सीधा बाबा डेरे नानक। ये सेम राउट नहीं है जो जहाँ पे वाघा बॉर्डर है, इट्स अ डिफरेंट राउट। नानी कहते करो जाइए खा के उत्थे मिलन पका के। सड़क काफी खराब है, कच्ची पक्की सड़क है। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स आई एम कैरिंग, पासपोर्ट, RT-PCR जिस पे लिखा हुआ नेगेटिव, एंड जो ETA जो आपको करतारपुर की वेबसाइट से मिलता है। बाहर गया मैं, काफी कंस्ट्रक्शन हो रही है। डेरा बाबा नानक स्टेशन करतारपुर कॉरिडोर। वेलकम टू करतारपुर साहिब, गुरु नानक देव जी मार्ग। पहला सिक्योरिटी चेक फॉर करतारपुर कॉरिडोर इन इंडिया। सबका, सब तीनों का कि एक ही का? मुझे सारी टैक्सियां लगी हुई है, पता नहीं अंदर जान देंगे कि नहीं। तो आप पता करते हैं कि आगे जाने देंगे कि नहीं। काफी काफी लंबी लाइन लगी हुई है, गड्डी च बैठे रहो कहते। पीपल आर ट्राइंग टू ब्रेक द लाइन, मत करो यार। ट्री अप्रूव्ड, तो अगे गड्डी नहीं जान देंगे। ਜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ ਆਣ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਬੱਸ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਸੈਲਫੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਊਂਟਰਸ ਹੈ, ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਫਾਰ 2000 ਪਲੱਸ ਪੀਪਲ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ, ਪੋਲੀਓ ਡ੍ਰੌਪਸ। ਇਵਨ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਅ ਪੋਲੀਓ ਫ੍ਰੀ ਕੰਟਰੀ ਨਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਸਟੈਪ ਅਭੀ ਵੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਓ ਡ੍ਰੌਪਸ सिंगिंग नहीं वैसे तो ये। थैंक यू। एंड बहुत लोग सोचते हैं कि उनका बाकी कंट्रीज में वीजा नहीं लगेगा आफ्टर विजिटिंग पाकिस्तान, व्हिच इज रॉन्ग। सिराज का रह गया। सो इमिग्रेशन कंप्लीटेड, वहाँ पे भी उन्होंने ये बताया कि कहीं स्टैंप नहीं लगेगी, आपको कहीं भी रिकॉर्ड में मेंशन नहीं करने की जरूरत दैट यू हैव बीन टू पाकिस्तान। ई रिक्शा जाएगा राइट, और साडा ई ऑटो आ गया।
आप कहाँ से हो? हिमाचल। हिमाचल, नाइस टू मीट यू। वाओ, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। क्या बात है, बड़ी जल्दी आ गई। गुड बाय इंडिया। ए जीरो लाइन, दिस इज जीरो लाइन, इंडिया एंड पाकिस्तान, एंटरिंग पाकिस्तान। उन पाकिस्तानी ऑटो पाकिस्तान साइड इमिग्रेशन। इमिग्रेशन नाउ सेकेंड इमिग्रेशन इन साइड पाकिस्तान। एंड यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी सेवादार है, अगर आपको व्हील चेयर चाहिए, किसी भी तरह की फैसिलिटी चाहिए, सारी प्रोवाइड करती है पाकिस्तान। एंड अगर आपके पास यूएस डॉलर्स नहीं है तो आप कन्वर्ट करके भी दे सकते हो $20, बट टाइम बचता है। वी सेव्ड अराउंड 1 to 2 minutes। अर्ली मॉर्निंग तो कोई नहीं था तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा, अगर आप आफ्टरनून में आते हो तो शायद ज़्यादा टाइम बच सकता है। एंड एक्सचेंज रेट है 1.85 पाकिस्तानी रुपी फॉर ईच इंडियन रुपी। सो हमने कराई 4000 रुपीज कन्वर्ट, तो उसका मिला 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, तो 7000 एंड कुछ रुपए, कुछ ऐसा दिखता है। This is Indian immigration stamp 1. Yeah, so immigration to baad, that's the entry point. Yahan pe wheelchairs bhi aa rahi hain. Bank of Pakistan ki total 20 corridors hai, capacity hai around 1000 people plus. Udhar solar panels bhi lage hue hain. Present sir. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, आप कहाँ से हो? नरवाल से। नरवाल से। सर बस सर कितनी दूर जाएगी सर? 4 किलोमीटर? 3.5 किलोमीटर। 3.5 किलोमीटर, तो आधा किलोमीटर आ चुके हैं सर, 3.5 किलोमीटर और। ऑसम। तो सर आप नरवाल कितनी दूर पड़ता है सर आप यहाँ? 16 किलोमीटर। तो आप रोज सुबह सुबह आते हो? जी। और ये पहली बस कितने बजे निकलती है सर? जब संगत आ जाए ना। मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं? फिक्स टाइम, जब संगत आ जाए। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच सर। कॉल चल रही है, फोन चल रहा है, नेटवर्क आ रहा है। नेटवर्क ड्रॉप हो गया। कॉल चल रही है, फोन चल रहा है, नानी ना गल हो गई। काफी सामान डिस्ट्रीब्यूट करना है या बेचना? ये मतलब लोकी डिस्ट्रीब्यूट करना है कि बेचना? डिस्ट्रीब्यूट करना, बेच थोड़ी सकते हैं। रिश्तेदारी बन गई अगे पीछे, और फिर उन्होंने वादे सामान लेके इधर वही जाते हैं, उधर वो लेके अंदर में भी लेन देन कर लो। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सर बहुत हॉस्पिटेबल हो। अंकल ने लिखा ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ 1947, दे सेड कि जब आप पैदा हुए तब हम बिछड़ गए भाई। वी गॉट दिस यात्री आईडी कार्ड, सो इंडियंस का कलर है येलो एंड पाकिस्तानीज का होगा ब्लू। कठे भाई भाई अड करता लीडरा ने। हां जी हां जी हां जी, दिलो कठे हैं फिर भी, दिलो कठे हैं। हां जी हां जी। ओ रावी रिवर क्रॉसिंग, रावी रिवर, रावी रिवर मेरे ख्याल इंडिया तो शुरू होकर इतनी आंदी है। हाँ जी जी जी। सो फाइनली असी एंटर कर रहे हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गुरुद्वारा, स्प्रेड ओवर 44 एकर्स ऑफ लैंड। आज काफी ज्यादा खाली है गुरुद्वारा। जोड़ा कर, पहले जोड़ा कर फिर लॉकर। सो शूज जमा करा दिए, हमारा नंबर है 821, ये सेफ रखना। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਹਾਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ 18 ਇਅਰਸ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ। ਇੱਧਰ ਸਿਰਫ ਉਰਦੂ ਮੇਂ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਸਮਝ ਆਤੀ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਕਮੈਂਟ ਡਾਊਨ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੇ इंडिया का फ्लैग देखा। वो इंडिया का फ्लैग है ना, इतनी दूर वो जो फ्लैग लगा ना पर ले। पहले संगत दूरबीन के थ्रू दर्शन किया करती थी करतारपुर कॉरिडोर के या फिर करतारपुर साहिब के, अब फाइनली ये इन पर्सन पॉसिबल है।
धार्मिक विचार वटांदरा, तो धार्मिक मतलब रिलीजियस, रिलीजियस डिस्कशन कैन बी हेल्ड देयर, ओके, एंड दैट्स सिंबल ऑफ खालसा, खालसा मतलब प्योर, एंड यहाँ पर गुरु नानक देव जी खेती करते थे, इस कारण इसे कहा जाता है खेती साहिब। अच्छा, गुरु नानक देव जी की वेल जहाँ से पानी निकाल के वो फसलों को देते थे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, मिरेकल के बारे में लिखा हुआ है। तो अच्छा, ये है रिलीजियस डिस्कशन रूम लंगर हॉल नीचे। एंड गुरु नानक देव जी के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग लंगर हॉल में लंगर छकना वाज सो सरियल, ऐसा लगा वी आर एक्चुअली इक्वल इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर या रिलीजन, द होल कम्युनिटी फेल्ट वेरी यूनाइटेड। थैंक यू। डिजर्ट ये है लंगर हॉल। वाह, मेहमान दीवान, अगर आपके पास पाकिस्तानी वीजा है तो आप यहाँ पे नाइट स्टे भी कर सकते हैं। वो मुझे कहते हैं कि आप पाकिस्तान वीजा लेके आइए, आप जितने मर्जी दिन रुकिए, तारपुर कॉरिडोर एक्सेस से आप रात नहीं रुक सकते। डॉर्मेटरीज, अच्छा इधर इधर कमरे बने हुए हैं जिनके पास वीजा है, या फिर अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप यहाँ रह सकते हैं। ओहो हो, इतनी गर्मी है, पैर मेरे सड़ रहे हैं, भागना पड़ रहा है। एंड जहाँ पर मैं अभी परिक्रमा कर रहा हूँ इसे कहते हैं गुरु नानक बाग। एंड यहाँ पर जहाँ पर भी किसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उर्दू में, पंजाबी में, इंग्लिश में, हर जगह रिलीजन, कास्ट, जेंडर, किसी चीज़ का भी मेंशन नहीं है, बिकॉज गुरु नानक देव जी बिलीव्ड इनकी एक इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर हर कोई इक्वल फील करता है। क्लीनिंग मशीन्स, इतने रेस्टिंग एरिया बनाया हुआ है, थोड़ा रेस्ट कर ली। गुरुद्वारे के अंदर मेरा सिम बंद, बिल्कुल ही बंद हो गया, इट्स डेड, नो मोर एयरटेल, सिर्फ बॉर्डर पे चल रहा था। मुंह बिटो आ गया। बंदे कभी भी किसी के लिए अपने दिल में बुरा मत सोचो। वाह, गुरु नानक देव जी सबके पीर हुआ करते थे, एंड जब वो ज्योति ज्योत समा गए तब हर कोई अपने अपने रिलीजियस तरीकों से उन्हें बरी या फिर क्रिमेट करना चाहते थे, पर जब उन्होंने चादर उठाई या फिर श्राइन उठाई तब उनकी बॉडी दिखी ही नहीं। एंड गुरु नानक देव जी की श्राइन के दो हिस्से किए गए थे बाय डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स, पर यहाँ पे किसी भी रिलीजन का नाम नहीं है, तो मैं भी लेना नहीं चाहता।